नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से। मैं दोस्तों आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाएंगे। जीवित पुत्रिका व्रत जो कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। 3 दिन का ये व्रत होता है। 3 दिन मीन्स एक दिन पहले नहाए खाए से ये व्रत शुरू होता है, जिस दिन व्रती महिलाएँ जो संतान के लिए ये व्रत करती हैं, अपने संतान की मंगल कामना और दीर्घायु होने के लिए ये व्रत करती हैं, वो नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत करती हैं। जिस दिन स्नान पूजन के पश्चात वो जो भी उनके यहाँ कल्चर होता है उसके अनुसार वो खाना खाती हैं। अगले दिन खरजियोतिया होता है, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। लगभग 36 घंटे का 40 घंटे का ये व्रत रहता है और अगले दिन जब तक पारण नहीं कर लेते हैं तब तक ये व्रत चलता है, निर्जला उपवास। तो खरजियोतिया के दिन शाम को ज्योतिया व्रत की कथा सुनी जाती है जो इस प्रकार है। नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें, जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलियुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे। सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगीं कि माता जीती हैं, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे, उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगीं, इस भयंकर समय में किस व्रत से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वह आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपने सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूतवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करुण स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय पट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुण मेरे लड़कों को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूँगा। यूं कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुण जी आकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुण ने बाया अंग जब खा लिया तब पासा फेर कर राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुण जी ने पूछा कि देव योनियों में आप कौन हैं। हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुण, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुण ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैव्या हैं और पिता राजा शालिवाहन हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुण जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुण, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ कि जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं।
और फिर अब आप किसी जीव को ना खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए, धौम्य जी बोले। आनंद के सहित वर देकर पक्षियों के राजा गरुण स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो पहले खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुण की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दो गुना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुण जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी हैं दुर्गा हैं। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हों वही अष्टमी है, और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुण जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं, इस वास्ते हे देवी इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा, उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली की छाया में रहकर चिल्ली व्रत करने लगी, उसी पीपल के खोड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपनी सखी सियारिन जो कि खोड़ में बैठी थी उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए मशान पर गई। वहां जाकर अपने इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातःकाल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंध युक्त सुंदर जल पिया, वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज से बाही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री से गार्पत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक विवाह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुँचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनको सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेक रत्नों से युक्त हो गए, बिना चोट फोट के सब जिए गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली रही, तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करते हुए तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा
इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके वचन को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस स्त्री के लड़के बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाले स्त्रियां इस व्रत को करें। इस प्रकार जीवित पुत्र का व्रत की यह कथा समाप्त होती है। तो जीवित पुत्र का व्रत की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये व्रत आपके लिए, आपके पूरे परिवार संतान के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो।